बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको दुख दर्द और मुसीबतों से निजात दिलाए। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह ये थी कि कल जो मेरा बेटा है रिजवान, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको बुखार हुआ था और इतना तेज़ बुखार हुआ था कि वो बोल भी नहीं सकता था। ऐसे ही वो पड़ा रहा और मुँह से आवाज़ निकालता रहा, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था। हम उसको लेकर गए थे हॉस्पिटल, उसको इंजेक्शन लगे थे, उसको एक ड्रिप भी लगी और रात को 3:30 बजे हम घर आए थे। ये है कि जो डोज उसको लगी हैं उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत बेहतर है। अभी वो खेल रहा था तो उसके बाद कुछ दिन उसे दादा अबू की आँखों का जो इन्फेक्शन है वो हो गया था। आँखों में दादा अबू कहते हैं कि मुझे दर्द रहता है, अगर मैं आँखों में पानी लगाऊं तो ठीक हो जाता हूँ, अगर पानी लगाऊं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो दादा अबू ने आज मुझे कहा है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि यहाँ 20-21 को 2 दिन एक कैंप लगता है और उस कैंप में जो डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं आँखों के, तो वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन वो लिख के दे देते हैं, हम फिर बाहर मतलब के शॉप से मेडिसिन जो है वो मिल जाती है। तो अभी हम यहाँ से रवाना होंगे, मैं दादा अबू के पास बैठा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा जी क्या हाल है, ठीक ही वे? खैर हाल है, अक्खी खराब है, अक्खी पानी सटे ने आराम आवे ना, अक्खी दर्द हो रहे। और दादे अबू की आंखों में जैसे एक साइड पे ना जो मतलब कि गोश्त है वो आँख के बिल्कुल सामने से ऐसा ऐसा आ रहा है, मतलब कि जो ब्लैक कलर का होता है उसके सामने से ऐसा ऐसा आ रहा है। अक्खी अबू खुले सो, अक्खी खुले सो, ज्यादा ही आंख का मसला है ना। दुए ओके दुए ना दो आंखें दर्द रहे में, दर्द रहे के पानी से रहने है तो कुछ आराम आवे, पानी मुंह पानी आके सटो जी हां, तो भा लग में दिए। अच्छा, ना तो आराम ही जाकर तुझा पूजा करने दे। ओके, तो आंखें बहुत सूजी हुई हैं, तो तैयारी अब कर के दीवे। ओ तैयारी कर के दी, कल दुकान बंद कर लो। दुकान बंद कर ले, पर मजा ले, बस दुकान बंद कर जल्दी पाए। तो दादा अबू को हम लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, और मज़े की बात यह है कि दादा अबू को थोड़ा सा भी मसला होना दादा अबू अपने बेटों को नहीं कहते बल्कि मुझे कहते हैं, और इस बात से मुझे खुशी होती है कि दादा अबू मुझे इस काबिल समझते हैं कि जो भी काम होते हैं वो मुझे कहते हैं, और ये मेरे लिए एक बायस फ़ख्र की बात है कि दादा अबू मुझे काम कहते हैं। सर भाई कबूतरों को दाने डाल रहे हैं। ये भाई बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप सब इसको सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे ही मैं आया हूँ रिजवान देखकर भागता हुआ मेरे पास आ गया है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो तबीयत है वो कल से बेहतर है।
कल इसको बहुत ज़्यादा बुखार था तो हमें बहुत परेशान किया इसने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत सही है, लेकिन फिर भी इसमें जो चिड़चिड़ापन है वो आया हुआ है, सारा दिन रोता रहता है। दादी अबू की मेडिसिन लेकर वापस आ गए हैं। जी आबा जी, सफ़र ठीक रह गए? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दादी अबू का हमने चेकअप कराया है तो डॉक्टर ने ये कहा है कि जो आँख में ऊपर से जो मास है वो आँख के ऊपर आता जा रहा है, जो हमारी नज़र है उसके ऊपर आता जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि ड्रॉप से तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर ठीक ना हुआ तो फिर ऑपरेशन के चांस हैं। तो ये एक सिरप दिया है, ये ताकत का सिरप है। कमजोरी थी ये थोकू? ठीक है ठीक है। एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप है, तो ये नाल गोलियां भी खानी। हाँ ये तो सौ सुमो थोक में ड्रॉप था ना उसके बाद मैंने अपने शूज लिए हैं, तो ये मैंने लिए हैं अपने शूज। जूती सही है बा? ठीक है, जूती मुंह से पहुंची है। तो सा लेट पवो थोक में मेट ए थोड़ी आंख स्टे ना चा लेट तो सा खोलो बा खोलो। तो इससे ये है कि थोड़ी सी जलन होगी, डॉक्टर ने कहा था, उसके बाद जो है इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो दादा अबू की आंखों में मैंने ड्रॉप डाल दी हैं और आप सबसे दुआ है कि दुआ करें कि दादा अबू ड्रॉप से ठीक हो जाएं और ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो अभी दादा अबू सो रहे हैं। उसके अलावा जो हमने मिट्टी का काम किया था वो अब सूख चुका है, मैं आप सबको दिखा देता हूँ। इस जगह हमने मिट्टी बनाई थी तो ये सारा सहन अब सूख भी चुका है। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी इसके ऊपर दो तीन दिनों के बाद हम इसके ऊपर दोबारा लेपा करेंगे। तो ये हमने शादी के लिए लकड़ियाँ मंगवा ली हैं क्योंकि जब देगे बनाएंगे तो यही इस्तेमाल होंगी। मैक्सी इधर आओ। तो इसी बात के साथ करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम। आप सब हमेशा हमारी दुआओं में शामिल हैं, हमें भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को दबा दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।